Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ayesha Joshi and you are watching me on the channel of Achievaya. So here it is 4th of September 2020 and we are going to take today's The Hindu news analysis. The first news is General Rawat pushes for Quad. CDS cautions Pakistan against taking advantage of India-China relationship. देखिए हो क्या रहा है, जो situation already borders पे चल रही है, चाहे वो लद्दाख वाली ले लीजिए और चाहे आप इससे पहले हुआ चाइना का साथ जो गलवान वैली का डिस्प्यूट है उसे देख लीजिए, सभी लेवल पे अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो बहुत टेंशन कंडीशन के अंदर है. बहुत सारी टेंस्ड कंडीशंस क्रिएट हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल लेवल पर ले लीजिए या आप जो है डिफेंस लेवल पे ले लीजिए, सिचुएशन काफ़ी मैसअप हो चुकी है चाइना के साथ में इंडिया की. तो अगर उसकी बात करें तो ये एक ज़रूर हमारी जो है हम कह सकते हैं आर्मी के लिए, हमारे डिफेंस के लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए एक टेंशन की बात ये भी है हमारे देश के लिए कि कहीं चाइना और इंडिया के ये बिगड़े हुए जो रिलेशनशिप्स हैं लद्दाख वाले क्षेत्र के अंदर, कहीं वो सारे रिलेशन जो हैं वो पाकिस्तान को मौका ना दे एडवांटेज उठाने का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है. इंडिया को ज़रूरत है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की जो कि उन्हें इस चीज़ के लिए श्योर करे कि वो नेविगेशन फ्री रहे, मतलब नेविगेशन फ्री ऑपरेशन कंडक्ट कर सके साउथ ओशियन के अंदर या उसके आसपास के क्षेत्रों में. CDS इट मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस ऑफिस स्टाफ दैट इज़ बिपिन जनरल बिपिन रावत सेड ऑन थर्सडे व्हाइल हाईलाइटिंग द थ्रेट ऑफ अ कंबाइंड चैलेंज फ्रॉम द पाकिस्तान एंड चाइना ऑन टू फ्रंट्स एंड कॉशनिंग पाकिस्तान अगेंस्ट टेकिंग एनी एडवांटेज ऑफ द टेंशन विद चाइना. चाइना के साथ जो हमारी टेंशन चल रही है हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसा कहना है जनरल बिपिन रावत का. उनका ये कहना है कि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हमें जो डर है कि कहीं चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं और जो बिगड़ाए हुए रिलेशंस हैं कहीं उन बिगड़े हुए रिलेशंस के ऊपर आकर के और वो लोग, मतलब पाकिस्तान के वो लोग जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज से बिलोंग करते हैं, वो सभी कहीं आकर के हमारे ऊपर हमला ना कर दे या उन वो इस चीज़ का एडवांटेज ना ले ले. तो ये सारी कंडीशंस जो है जनरल बिपिन रावत ने हमारे सामने रखी है. उनका ये कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशंस है उसे कंट्रोल में रखें जिससे कि आने वाले टाइम पे जो प्रोटोकॉल्स हमें जो है फॉलो करने हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशनशिप को लेकर, हम उसे फॉलो कर सकें और इन सारे जो कॉम्प्लिकेशंस जो दोनों देशों के साथ हमारे साथ चल रहे हैं उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें. ठीक है, काफ़ी एग्रेसिव एक्शन हमें चाइना की तरफ से देखने को मिला है जिसे, और उसके अगेंस्ट जो है हमें भी काफ़ी एग्रेसिव एक्शन की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह का रिलेशन हमारा और चाइना के बीच में अभी इन दिनों चल रहा है उसको देखते हुए और चाइना की जो एक्टिविटीज़ है, पहले गलवान क्षेत्र में अपना जो है अधिकार शो करना, ट्रूप्स को वहाँ पे जो है एंगेजमेंट कर देना और उसके बाद में अब अल्टीमेटली लद्दाख क्षेत्र के अंदर लोगों का जो है वो बढ़ाना, जो एंगेजमेंट है या अपने ट्रूप्स का एंगेजमेंट बढ़ाना, ये अपने आप में थोड़ा इंडिया के लिए एक टेंशन क्रिएट करने वाली सिचुएशन है. लेकिन हमारी पूरी कोशिश चल रही है, हमारी जो CDS टीम है उनकी ये कोशिश चल रही है कि वो इन सिचुएशंस को कंट्रोल में कर सके, चाहे चाइना के साथ है और चाहे पाकिस्तान के साथ है. और जहाँ बात आती है पाकिस्तान के एडवांटेज उठाने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एडवांटेज जो है पाकिस्तान के साथ में उठाने में जो है उन्हें सक्सेसफुल ना होने दें. ठीक है, द नेक्स्ट इज रिलीफ फॉर बोरोवर्स इन मॉरेटोरियम केस. मॉरेटोरियम के केस के अंदर बोरोवर्स को जो रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है उससे रिलेटेड यहाँ बात हो रही है. डोंट डिक्लेयर लोन अकाउंट्स एज NPA. लोन का जो अमाउंट है, जो अकाउंट है उसे NPA डिक्लेयर मत कीजिए एंड उसके अलावा फर्दर ऑर्डर्स के लिए वेट कीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को डायरेक्ट बैंक्स को ये बात कही है कि लोन अकाउंट्स जितने भी हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं 31 अगस्त तक, उन्हें NPA नहीं शो करना है. हमें उनको आगे उनके जो है उनकी डेट्स को एक्सपायर कर देना, उनकी जो NPA की जो डेट होती है जिस पर्टिकुलर टाइम के बाद में अकाउंट को NPA कर दिया जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एसेट्स, वो पैसा जो बैंक ने दिया है लेकिन आने की कोई उम्मीद या आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरीके से वो पैसा वापस रिकवर नहीं हो पा रहा, तो इस कंडीशन के अंदर
इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए एनपीए अकाउंट बनाया गया है कि वो पैसा जो है हम मान के चलते हैं, बैंक मान के चलता है, आरबीआई मान के चलता है कि इतना परसेंट पैसा जो है वो एनपीए होता है और इसका पैसा, ये पैसा जो है ये रिकवर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. हो सकता है कि सामने वाला पर्सन बेडेप्ट हो चुका है या फर्दर कोई भी एक्टिविटी हुई है, तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए एनपीए बनाया गया है और उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एनपीए बनाया गया है. मतलब लॉस का एक परसेंटेज बैंक फिक्स रखती है कि ये परसेंटेज का जो लॉस है ये वापस रिकवर नहीं होने वाला. तो इसी को देखते हुए मॉरेटोरियम केस जो है बोरोवर्स का, उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाया गया. मतलब एनपीए में जो पैसे जाते हैं, एनपीए का जो अकाउंट है उसके अंदर जो अभी 31 अगस्त तक जिनकी डेट थी लास्ट कि भाई ये पैसा नहीं आया 31 अगस्त तक, इसका मतलब ये अब जो है बेडेप्ट हो चुका है, मतलब या फिर ये पैसा पूरी तरीके से डूब चुका है, एनपीए में जाना चाहिए. तो उसकी डेट बैंक्स ने बढ़ा दी है और बैंक का कहना है कि जो बोरोवर्स हैं उन लोगों को अब आगे और छूट दी जा रही है कि वो अपने पैसे को जमा करवा सकें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑर्डर पास हुए हैं और काफ़ी इंडिविजुअल बोरोवर्स ने इसके लिए जो है अपनी आवाज़ भी उठाई थी और उसके बेसिस पर ही ऑर्डर पास हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट इज़ एग्जामिनिंग इफ बैंक्स कैन चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर बैंक CIE चार्ज कर सकती है, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं कि बैंक कर सकती है या नहीं. ये सारी सिचुएशंस जो है ऑलरेडी चल रही है. एक जो बेंच बिठाई गई थी अशोक भूषण की अंडरटेकर में, उन्होंने बोरोवर्स को इस पेन से या इस पेंडेमिक के दौर में जहाँ बिल्कुल पैसे नहीं थे और वो जमा नहीं करवा पाए, उस कंडीशन में उनको, उनके अकाउंट को एनपीए होने से बचाया है और ये कहा है कि हमें थोड़ा कोविड के चलते और पेंडेमिक के चलते हमें थोड़ा सा जो है टाइम देना होगा बोरोवर्स को डिपॉजिट करवाने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर घटित हुई है और इसके बेसिस पर ये सारी सिचुएशंस बताई गई है. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ लॉयल्टी टेस्ट. ये जो है ये एडिटोरियल का पार्ट है, एडिटोरियल का सेक्शन है. कांग्रेस शुड सीक टू बेनिफिट फ्रॉम द एजेंडा ऑफ द रिफॉर्मिस्ट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट. जो रिफॉर्मिस्ट हैं उनसे फाइट करने की बजाय, उनसे लड़ने की बजाय, उनसे कुछ जो भी एजेंडा वो फॉलो कर रहे हैं उनको सीखने और उनसे बेनिफिट उठाने की ज़रूरत है. किसे? कांग्रेस को. द कंसर्न्स रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द कांग्रेस रेज्ड बाय 23 ऑफ इट्स सीनियर लीडर्स अपीयर्स टू हैव बीन वैलिडेटेड by the hostility generated against them by a coterie around the Nehru Gandhi family, Rahul Gandhi. The de facto decision maker behind his mother has always claimed to be in favor of open discussions and collective leadership in the party. Far from living up to that claim, he led the coterie in questioning the timing and intent of the reformist who did little more than echo his own views about the party problems. Mr. Gandhi, often accused by the Bharatiya Janata Party, that is BJP, if of ill intent and bad timing. देखिए basically इस पूरी situation के अंदर, इस पूरे जो ये जो article है इसमें बताया गया है कांग्रेस और गांधी, जो गांधीवादी विचारधारा है उनके, जो कांग्रेस से रिलेटेड जो उनके एस्पेक्ट्स हैं उन्हें यहाँ शो किया गया है. उसके बाद में बीजेपी का आना, बीजेपी से जो है क्रिटिक्स जो है दोनों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होना, और कांग्रेस अब जहाँ पे पूरी तरीके से क्रिटिकल पार्टी बन चुकी है, जहाँ बीजेपी को पूरी तरीके से क्रिटिक्स के तौर पे आलोचनाएं किए चली जा रही है और इवन उसे गलत ठहराती चली जा रही है, तो अब कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा. कांग्रेस को, क्योंकि लोगों को काम से मतलब है, क्रिटिक्स से कोई मतलब नहीं है. अगर आप लॉयल हैं हमारे प्रति तो लोग भी आपके प्रति लॉयल है. पार्टी अगर लॉयल होती है तो लोग भी लॉयल होते हैं. और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि बीजेपी पावर में आ रही है, कांग्रेस नहीं आ पा रही है, तो अब कांग्रेस को ज़रूरत है ये जानने की कि कांग्रेस क्यों पीछे रह रही है. बात ये नहीं है कि बीजेपी से वो बैठकर लड़े, क्योंकि अगर किसी चीज़ में बिलीव है, किसी पार्टी में बिलीव है, किसी पर्सन में बिलीव है, तो कोई भी ताकत दुनिया की आपको उससे कनेक्टिविटी या कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन से के अलावा या कनेक्शन से नहीं रोक सकती है ना. उसका रीज़न क्या है कि आपका उस चीज़ में एक्सट्रीम लेवल पे बिलीव है और वो बिलीव जो है
ये है कि आपको उससे डाइवर्सिफाइड होने ही नहीं देता। तो यही सिचुएशन अभी दोनों के बीच में चल रही है। बीजेपी पावर में आ रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से अपने आप को जो है हिला हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से कांग्रेस की जो सत्ता है वो पूरी तरीके से नींव जो है बिल्कुल खोखली हो चुकी है। उसका रीज़न क्या है? कांग्रेस का क्रिटिक्स की ओर ज़्यादा ध्यान जाना, उनकी ज़रूरत है कि वो बीजेपी की तरफ इस तरीके से ध्यान दे कि उनके एजेंडाज को समझे, उनके वर्किंग प्रोफाइल को समझे और उस तरीके से, इवन मैं ये नहीं कह रही कि उससे कॉपी करे, लेकिन इस तरीके के एजेंडाज को फॉलो करे जो शायद बीजेपी के एजेंडाज को बीट कर सके। अच्छा, ये यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की बात की है, बट मैं एक जनरलाइज बात अगर करती हूँ आपके सामने, एक बहुत ही जनरलाइज बात कि क्रिटिक्स करना इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिक्स ये एक तरफ है और आपका काम एक तरफ है। एक इंसान क्रिटिक्स तब कर सकता है जब उसे उस बारे में या उस बात के बारे में या उस जो एजेंडा है उस पॉलिसी के बारे में पता हो। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता और आप वो चीज़ें नहीं कर पाए तो, और अगर दूसरी चीज़, दूसरी टीम या दूसरा पर्सन वो चीज़ कर रहा है, तो आपको उसे क्रिटिकल जो है क्रिटिकली इवेल्यूएट करने की बजाय आपको उस क्रिटिकल इवेल्यूएशन से ये सीखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज़ कहाँ लैग कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं और लॉयल्टी के बारे में बताया गया है, कांग्रेस या गांधी जी की जो लॉयल्टी रही है इस देश के प्रति उसके बारे में बताया गया है, बीजेपी की लॉयल्टी को शो किया गया है, आपस में पार्टीज या पार्टी के मेंबर्स की लॉयल्टी को यहाँ शो किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। इट इज़ सच मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉयल्टी दैट ड्रोव मास लीडर्स सच एज ममता बनर्जी एंड शरद पवार आउट ऑफ द पार्टी। इट इज़ टाइम मिस्टर गांधी अप्रोप्रिएटेड देयर एजेंडा एंड लेट द रिफॉर्मिस्ट रेदर देन फाइट दैम। मैं आपको बात बताती हूँ कि जब बात करें हम, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, गांधी जी ने एक एक पर्सन को साथ लेकर चलने में बिलीव किया। एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं भगत सिंह और वो, और अच्छा उसको लेकर भी जो इश्यूज है उस समय से क्या सर्कमस्टेंसेज हुए वी डोंट नो, बट हेयर अगर पर्टिकुलरली गांधी की बात की जाए तो मिस्टर गांधी वाज अ पर्सन जिन्होंने देश के एक एक बंदे को साथ लेकर चलने में बिलीव किया, जो कि अभी एट प्रेजेंट कांग्रेस नहीं कर रही है। वही एजेंडा जो है इवन बीजेपी अप्लाई कर रही है कि वो पर्संस को लेकर चलकर और बिलीव कर रही है, लोगों को अपने फेथ में लेकर वर्क करने पर बिलीव कर रही है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे अपोज नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं सिर्फ उस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि कैसे पॉलिटिकली वर्क किया जाता है। पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस बीजेपी के बारे में क्या सोच रही है, बीजेपी कांग्रेस के बारे में क्या सोच रही है, या दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों को मतलब है कि काम कितना हो रहा है, कितना काम हो रहा है, और जहाँ काम नहीं होता वहाँ सरकार को ब्लेम किया जाएगा बिकॉज सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बात करें जम्मू कश्मीर वाले की, जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे के अंदर सरकार, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन अगर हम बात करें, और इवन अयोध्या डिस्प्यूट जो है उसे भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया, हर डिस्प्यूट को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़े हैं सर, आगे बढ़ी हमारी सरकार। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बात करें, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स को लेकर के, एसएससी सीजीएल और रेलवे समथिंग, सारे स्टूडेंट्स आई थिंक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारा जो प्रोटेस्ट है वो किस लिए है? क्योंकि इस मुद्दे पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लैग कर रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन प्रोटेस्ट करने वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके अंदर ओनली एंड ओनली कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टी या जो न्यूट्रल लोग हैं वही नहीं हैं, इसके अंदर वो सारे लोग सम्मिलित हैं जो कि एसएससी और आरआरबी इन सब से जुड़े हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न से जुड़े हुए हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से, जनता को कोई मतलब नहीं है कि सरकार कहाँ है, किसकी है, कैसी है, क्या कर रही है। नो, जनता को मतलब है वो सरकार हमारे लिए, इस देश के लिए क्या कर रही है। और जहाँ पर भी सरकार की बात आएगी कि सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया, वहाँ जनता उन्हें अप्रिशिएट करेगी, और जहाँ लगेगा कि सरकार यहाँ पे कार्य नहीं कर पाई तो जनता उन्हें जो है डिप्रिशिएट करेगी, उनको इस चीज़ का भुगतान करना ही पड़ेगा। ठीक
ठीक है. सो इट इज़ ऑल अबाउट लॉयल्टी टेस्ट. द नेक्स्ट इज पार्शियल रिलीफ. अच्छा मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एट ऑल. मैं आपको किसी तरीके की कोई पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ और ना ही मैं आपको सिचुएशन से कोई जो है रूबरू करवा रही हूँ. मैं जस्ट एक नॉर्मल जो प्रेजेंट सीनरिया मैं कह सकती हूँ सिचुएशन जो चल रही है मैं उससे रूबरू करवा रही हूँ, या मैं आपको बता रही हूँ कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी हो सकती है जिससे कि आने वाले टाइम में आप भी जब एक ऑफिसर बनकर आगे जाएँ तो आपको पता चले कि आपको कैसे सिचुएशंस को होल्ड करना है. ठीक है. द नेक्स्ट इज पार्शियल रिलीफ. AGR ड्यूज शुड नॉट बी अलाउड टू इम्पेयर कस्टमर सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम. टेलीकॉम के अंदर जो कस्टमर सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट है उसे इम्पेयर नहीं करना चाहिए. इम्पेयर होने की इम्पेयर कस्टमर सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट जो है उसे अलाउ नहीं करना चाहिए AGR को. सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है दिस वीक टू अलाउ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स 10 years टाइम टू सेटल देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दैट इज AGR जो है जो ड्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट को उन्हें पे करने हैं. तो अल्टीमेटली मतलब जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो प्रोवाइडर्स हैं वो लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे. तो ये AGR जो है बेसिकली रेवेन्यू जो है ये इसको अगेन ट्रैक पर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विसेज को 10 years का टाइम दिया है कि आने वाले 10 सालों में आप खुद को स्टैब्लिश कीजिए और गवर्नमेंट को रिलीफ कीजिए, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. दिस विल गिव द ओल्डर प्रोवाइडर्स स्पेशली वोडाफोन आइडिया द क्रूशियल ब्रीदिंग स्पेस टू फिगर आउट हाउ दे कैन रिकॉन्फिगर देयर बिजनेस प्लान्स टू स्टेम एंड रिलेंटलेस फ्लो ऑफ ऑपरेशनल लॉसेज. ऑपरेशनल लॉसेज के चलते और जो जो भी रिसोर्सेज हैं साइजेबल एनुअल पेमेंट्स जो हैं सेंटर के वो सब जो है नेक्स्ट डिकेड के लिए एक्सटेंड किए गए हैं, उनको टाइम दिया गया है इस चीज़ का. बेसिकली वोडाफोन आइडिया जो है अपने आप में काफ़ी लॉस में चल रही है. तो ये कंपनीज जो है लॉस में भी चल रही है लेकिन सरकार को भी इनसे लॉस हो रहा है, सरकार को भी ये अपना एक रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, AGR जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. तो अल्टीमेटली जो कस्टमर सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अलाउ नहीं करना चाहिए AGR के लिए, है ना. तो ये जो है पार्शियल रिलीफ प्रोवाइड करवाया गया है कि उनको 10 years के लिए आगे का टाइम भी दिया गया है लेकिन उसके साथ ही कुछ स्ट्रिक्टनेस बरती गई है जिससे कि सिचुएशंस को कंट्रोल में लाया जा सके. ठीक है. तो ये पूरा मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया गया. इवन सेंटर ने AGR ड्यूज़ के बारे में बिना किसी कंपनी का नाम लिए भी सारी चीज़ें क्लियर की कि किस तरीके से जो है कंपनी इसे ले रही है, किस तरीके से डिपार्टमेंट इसे ले रहे हैं और किस तरीके से इसे आगे प्रोसीड किया जा सकता है. ठीक है. और काफ़ी सबमिट्स व्यूज किए गए हैं जो कि बुरी तरीके से जो हम कह सकते हैं पूरी तरीके से जो लार्जर इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रही है सारी चीज़ें. तो पहले भी इसके बारे में व्यूज सबमिट किए जा चुके हैं. सच अ टर्न कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स. एक टर्न जो है इस तरह का वो काफ़ी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को जो है इफेक्ट कर सकता है. विद द सर्वाइविंग ऑपरेशंस फाइंडिंग देयर कैपेसिटी. देखिए बेसिकली टेलीकॉम कंपनीज की जो कैपेसिटीज़ हैं उसके बेसिस पर जो उनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो चला जा रहा है. उसी को लेकर यहाँ पे बात की गई है कि पार्शियली गवर्नमेंट ने उन्हें रिलीव भी किया है नेक्स्ट 10 years के लिए और वहीं उन्हें बांधा भी है अगले 10 सालों के अंदर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए और AGR ड्यूज को जो है इम्पेयर कस्टमर सर्विस सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ नहीं करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है और उसी को यहाँ सिचुएशन को बताया गया था. गवर्नमेंट नीड्स टू लुक बियॉन्ड द AGR इशू. गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि वो AGR इशू को और उससे बियॉन्ड जो है देखिए, उससे बियॉन्ड नज़र घुमाए और फिर इमेजिन करे, री इमेजिन करे द वे इट्स प्राइजेस, कैसे इसकी प्राइजेस हो रही है क्रिएट और उसके अलावा कैसे जो है मोनेटाइज हो रहा है इसका प्रेशियस येट इम्यूटेबल पब्लिक एसेट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम इन फ्यूचर. फ्यूचर में जो रेडियो स्पेक्ट्रम की बात की जाती है पब्लिक एसेट के तौर पे, जो इम्यूटेबल पब्लिक एसेट के तौर पे जो प्रीशियस जो इम्यूटेबल पब्लिक एसेट है रेडियो स्पेक्ट्रम का वो कैसे मोनेटाइज हो रहा है उसे ध्यान में दें और उसकी प्राइजेस को रीइमेजिन करते हुए AGR इश्यूज के बियॉन्ड वर्क करें. ठीक है. इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अ पॉलिटिक्स ऑफ अवॉइडेंस दैट मस्ट बी क्वेश्चन. अवॉइडेंस का जो क्वेश्चन है उसे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को
of avoidance that must be questioned and the dropping of questionnaire. देखिए questionnaire को drop कर दिया गया है parliament session के अंदर. तो ये जो politics है जो avoid करने की, लोगों को avoid करने की, लोगों की सोच को avoid करने की, जनता को avoid करने की, उसे कहीं ना कहीं question करने की ज़रूरत है. और जो पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आपको जो है अवॉइड किया गया है उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है. वी द पीपल ऑफ इंडिया गेव आर सेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमने खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम वर्क करते हैं. हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, हमने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और सभी का कॉन्स्टिट्यूशन पर उतना ही पूर्ण अधिकार है जितना हर व्यक्ति का और सरकार का है. इवन सरकार को भी हमारे द्वारा ही चुना जाता है, हम ही चुनते हैं और उसके अंदर हमारे द्वारा चुनी गई सरकार जो है यदि वो आपको आपसे अधिकार छीन लेती है तो उसे क्वेश्चन करने की पूरी पूरी ज़रूरत है. पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के सेशन अनाउंस होना, ऑर्गेनाइज होना मानसून सेशन का, लेकिन उसके साथ ही जो है क्वेश्चन आर को जो है बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्वेश्चन आर का ना अनाउंस होना अपने आप में, क्वेश्चन आर ना अरेंज हो पाना अपने आप में डेमोक्रेसी का हनन है या हम कह सकते हैं आम व्यक्ति के अधिकारों का हनन है. तो ये सारी चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में बताई गई हैं कि क्या अकाउंटेबिलिटी को लेके क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं. उसके अलावा जो स्पेसिफाइज द सीकिंग द स्पेसिफाइज, मतलब इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका क्या क्या वैल्यू है और हमारे लिए क्या वैल्यू है, पार्लियामेंट के तहत क्या वैल्यू है इसकी. इसके अलावा पेंडेमिक से रिलेटेड जो इशूज़ चल रहे हैं या इकोनॉमिक इशूज़ चल रहे हैं उसको हमें एक्सप्लोर करने की, उसके लिए हमें बात करने की क्या ज़रूरत है, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है हमें क्वेश्चन आर के अंदर. और क्वेश्चन आर के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है. तो क्वेश्चन आर का अपने आप में जो है अवॉइड करना, क्वेश्चन आर को डिप्लॉय करना, क्वेश्चन आर को जो है ख़त्म करना, ड्रॉप करना, ये बहुत बड़ा डिसीज़न है जो रिसेंटली सरकार द्वारा लिया गया है अपने आप में. अच्छा, बीजेपी कांग्रेस क्या कह रहे हैं, क्या क्रिटिक्स हैं, क्या आपस में झोल चल रहा है, ये सारी चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखती. वैल्यू ये रखता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो हमें प्रोवाइड करवा रहा है, जो डेमोक्रेसी के तहत हमें जो सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है, हमें जो क्वेश्चन आर का जो एक सिस्टम मिल रहा है या एक जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे डील करें और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करते हुए आगे बढ़ें, ये सारी सिचुएशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है कि कैसे सरकार को क्वेश्चन आर जो है अरेंज करने की. और अगर वो नहीं करती है, सरकार नहीं भी करती है, तो उसे कैसे हमारे क्वेश्चन हमें जवाब देने की ज़रूरत है. जिन लोगों ने क्वेश्चन हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खुद बनाया है, उन लोगों को ये पूरा राइट्स है कि वो ये जाने और क्वेश्चन पुटअप कर सके या क्वेश्चन आर ऑर्गेनाइज हो सके. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. आपको ये आर्टिकल पढ़ने से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी. The next is mind the gaps of India's healthcare digital push. इंडिया का हेल्थ केयर का जो डिजिटल पुश है उसे माइंड करने की ज़रूरत है. उसके बीच में क्या गैप्स आ रहे हैं इंडिया के हेल्थ केयर डिजिटल सिस्टम के तहत, क्या गैप्स आ रहे हैं. जैसे अभी आरोग्य सेतु को लेके काफ़ी इशूज चले, और भी कई सारे हेल्थ केयर डिजिटली जो ऐप्स हैं या अदर थिंग्स जो डिजिटली पुश किया जा रहा है उसके अंदर क्या गैप्स आ रहे हैं, क्या इशूज़ हैं, उन सबको माइंड करने की ज़रूरत है. हेल्थ केयर डेटा को माइंड करने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है. काफ़ी सारे ऐसे इंडियंस हैं जो अभी भी अनएड्रेस्ड इशू है उनको हेल्थ सेक्टर्स की तरफ से, तो वो इशू क्यों है, क्या इशू आ रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के तहत हेल्थ सेक्टर की तरफ से, क्या प्रोग्रेस नज़र आ रही है, क्या काउंटर्स हैं, इसके अलावा क्या जो है डायलेमा क्या बना हुआ है, उसके अलावा लीकेज कहाँ है, डेटा कहाँ लीक कर रहा है, ये सारी सिचुएशन जो है इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस की गई है. आप जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड सारे इशूज़ सामने आएंगे. उन हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड जो इशू है, जो डिजिटली पुश किया जाने वाले हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उनके बीच में जो गैप्स हैं, उन गैप्स को ध्यान में कैसे रखना चाहिए, उनके लिए क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस किए गए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि क्वेश्चन आर जो है क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या रोल होता है क्वेश्चन आर का पार्लियामेंट के सेशन में, और आने वाले मानसून सेशन में अगर क्वेश्चन आर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है तो उसके लिए क्या नेगेटिव पॉइंट सामने आएंगे या क्या क्रिटिसिज्म सामने आएगा, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.